नमस्कार, मैं हूँ योगिता सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है अंकुर, अरे ऑफ होप। फ्रेंड्स, हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बात कर रहे हैं बांझपन के बारे में, इनफर्टिलिटी के बारे में। जब तक एजुकेशन की कमी होती है, सिर्फ वही प्रॉब्लम रहती है। हमारे इस प्रोग्राम का ही मकसद ये है कि हम आपको एजुकेट करें, जिस प्रॉब्लम को आप सिर्फ फेस कर रहे हैं उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको बताएं। आज भी हम बात करेंगे सरोगेसी के बारे में, क्या होता है, क्या टेक्निक है, कितना ये आपकी मदद कर सकता है, कि तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आपको एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर रीता बख्शी, टॉप इंटरनेशनल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की लिस्ट में एक जाना पहचाना नाम, जिनकी रिसर्च और एक्सपीरियंस द्वारा उम्मीद की किलकारियां गूंज रही हैं। डॉक्टर रीता बख्शी एआरटी स्पेशलिस्ट हैं और इंटरनेशनल फर्टिलिटी सेंटर की चेयरपर्सन भी हैं। डॉक्टर रीता बख्शी को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इक्सी और ट्यूबल माइक्रोसर्जरी एक्सपर्टीज के लिए विशेष सराहना मिली है। हजारों कपल्स की जिंदगी में नया अंकुर खिलाने वाली डॉक्टर रीता बख्शी इनफर्टिलिटी के अंधेरे को दूर करने में निरंतर प्रयासरत है। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं देश की जानी मानी फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर रीता बख्शी। केयर वर्ल्ड में डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर रीता, मुझे आपसे सरोगेसी के बारे में बहुत कुछ जानना है, लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से बताना चाहूँगी कि अगर आप ही इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं तो अपने सवालों को खुद तक मत रखिए। आप पूछ सकते हैं, हमारे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर इस समय चल रहे हैं, आप उसे नोट कर लीजिए, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं या फिर हमारी पूरी टीम मौजूद है, आप उनसे अपने सवालों को पूछ सकते हैं। डॉक्टर रीटा, मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि सरोगेसी है क्या? मेरे लिए भी ये टर्म बहुत नया है। देखिए, बच्चा बनाने के लिए एक आदमी का शुक्राणु, एक औरत का अंडा, और इन दोनों का जब बच्चा एम्ब्रियो जो बनता है वो किस चीज़ में पलता है? एक बच्चेदानी में, यानी कि यूट्रस में। अगर कोई औरत का यूट्रस खराब हो, यानी कि उसमें टीबी हो जाए, कोई एशमैन सिंड्रोम हो जाए, उसकी लाइनिंग खराब हो, उसके कैंसर के कारण बच्चेदानी निकाल दी गई हो, या फाइब्रॉइड, मल्टीपल फाइब्रॉइड आप सुनते होंगे, बड़े कॉमन होते हैं, ऐसी चीज़ें अगर आप उसके बच्चेदानी में है और वो बच्चा बच्चेदानी में पल नहीं सकता, तो हमको वो बच्चेदानी रिप्लेस करनी है। अब वो बच्चेदानी रिप्लेस करेंगे हम किसी और औरत की बच्चेदानी में डालकर, जो सरोगेट कहलाएगी और प्रेगनेंसी सरोगेट प्रेगनेंसी कहलाएगी। सरोगेसी के लिए किसी और की कोख, मतलब उसके लिए भी फिर आपको कोई टेस्ट करना पड़ता होगा कि कौन व्यक्ति विशेष जो है, कौन सी ऐसी महिला इसके लिए उपयुक्त हो सकती है? जी हाँ, सरोगेट वो बन सकती है जिसके अपने बच्चे हों, यानी कि उसका खुद का कम से कम एक बच्चा होना चाहिए। हम एक बीज डाल रहे हैं एक ऐसी धरती पे, अपनी धरती अगर उपजाऊ नहीं, हम एक उपजाऊ धरती में बीज फेंक रहे हैं ताकि उसमें अंकुर निकलें, तो हम ऐसी उपजाऊ धरती ढूंढ रहे हैं, यानी कि हम ऐसी औरत की कोख ढूंढ रहे हैं जिसने खुद बच्चे पैदा किए हुए हों, यानी कि प्रूवन फर्टिलिटी। तो ऐसी औरत उम्र 45 साल से कम होनी चाहिए, उसकी लाइनिंग बहुत अच्छी हो, यानी कि यूट्रस में ब्लड फ्लो अच्छा हो, और जो हमारी बात माने, जो इसको हम कहेंगे कि ऐसा ऐसा करना है, तो वो हमारी मतलब बात सुनने वाली हो, खाली ये चीज़ें देखनी, और उसमें कोई और इन्फेक्शन नहीं हो। बहुत ही ज़रूरी है, जो इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू आ सकते हैं, यानी कि HIV, HCV, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, ये सारे बीमारियाँ जो हैं, HCV, VDRL, ये सब टेस्ट हम करते हैं ताकि हमें पक्का हो कि उस औरत में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो खून के थ्रू उस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। वो उसमें कोई डायबिटीज़ नहीं हो, उसका हाई ब्लड प्रेशर नहीं हो, उसमें अनीमिया नहीं हो, तो उसके सारे ब्लड टेस्ट इसी उससे करे जाते हैं कि उसको एक हेल्दी ब्लड फ्लो बच्चे को मिले। मैं यही सोच रही थी कि अगर हम किसी के यहाँ प्लांट करते हैं तो वो जगह भी सुरक्षित होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। सरोगेसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे जो आप जानना चाहते होंगे। अपने सवालों को आप पूछ सकते हैं उन नंबर्स के द्वारा जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सवाल पूछिए, जो भी मन में उठ रहा है क्वेश्चन उसे ज़रूर पूछ डालिए, क्योंकि डॉक्टर रीता बख्शी और उनकी टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर है।
डॉक्टर रीता बख्शी, हम बात कर रहे हैं सरोगेसी की बात कर रहे हैं। सरोगेसी में क्या कुछ ऐसी चीज़ों की खास ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिन्हें अगर हम स्किप कर दें तो शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? आज हम लोग अगेन इस इंडिया में हैं, इस युग में हैं जहाँ पे कमर्शियल सरोगेसी अलाउड है। देखिए, दुनिया में बहुत ही कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे कमर्शियल सरोगेसी, यानी कि आप कुछ अमाउंट देकर आप ये कर सकते हैं। दो तरह की सरोगेसी होती है, एक अल्ट्रुइस्टिक और एक कमर्शियल। एक अल्ट्रुइस्टिक होती है कि भाई बहन है, भाई है, किसी के लिए आपने कर दी, कोई बात नहीं। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर यूके वगैरह, जहाँ पर आप जो काम से हर्जा हुआ हो और आपका जो मेडिकल एक्सपेंसेस हो उसका दे सकते हैं, मगर इंडिया में कमर्शियल सरोगेसी अलाउड है। यानी कि अगर कोई औरत आपके लिए बच्चा पैदा करती है तो आप उसके उसमें आप उसको कुछ पैसा दे सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारी औरतें कुछ पैसे के लिए और कुछ क्योंकि उनका मन करता है कि किसी कपल को हेल्प करें, ऐसे बहुत सारी औरतें अवेलेबल हैं जो ये आपके लिए करने को तैयार हैं। कौन कर सकता है और कौन लोग हैं? देखिए, जब आपके अंदर कोई कमी है, अब वो हमें कई बार ऐसा होता है कि ना आदमी में कमी है ना औरत में कमी है, उन्होंने IUI कराया पहला स्टेप, दूसरा स्टेप IVF करवाया, एक IVF कराया, दो कराए, पांच कराए, छह कराए, देखिए कहीं ना कहीं एक सीमा बना देंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हमें कहा 6 IVF हो गए, 7 हो गए, अब मैं और नहीं कर सकती, तो अब मैं क्या बदल के देखूंगी? मैं उन 3 चीज़ों में, शुक्राणु, अंडा और बच्चेदानी, मैं बच्चेदानी बदल के देखूंगी। मतलब शायद इस बच्चेदानी में नहीं ठहर रहा है, मैं एक दूसरे बच्चेदानी में, जो उपजाऊ बच्चेदानी, उसमें मैं डालकर देखती हूँ कि इसमें तुम्हारा ही बच्चा उसमें पल सकता है कि नहीं। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको आप, मैं नहीं बता सकती कि स्पेशली कई एक डोनर सरोगेसी वगैरह का रिजल्ट तो 90% एंड अबव, मतलब 90% एंड अबव आपको चांस है कि बच्चा मिल जाएगा। वाओ डॉक्टर साहब, इट्स सो नाइस। मुझे आपसे अभी बहुत कुछ और जानना है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आपने अभी TV ट्यून इन किया है तो आप भी परेशान मत होइए। आप हमारे इस प्रोग्राम को देख सकते हैं www.careworldtv.com पर। वहाँ जाइए, हमारे प्रोग्राम का नाम टाइप कीजिए, अंकुर अरे ऑफ होप, आपको हमारा ये एपिसोड देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी अपनी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, नंबर्स TV स्क्रीन पर हैं, आप कॉल कीजिए। डॉक्टर रीता बख्शी और उनकी पूरी टीम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर रीता, आपने सरोगेसी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, अगर मैं मैसेज मांगूँ आपसे तो आज का आपका मैसेज हमारे दर्शकों के लिए क्या होगा? मैं अपने दर्शकों से कहूँगी, अगर किसी के पास बच्चा नहीं है, आखिरी वो क्या सोच सकता है? अडॉप्शन। मगर आज आपके पास अल्टरनेटिव टू अडॉप्शन है। जी हाँ, आप अडॉप्ट करने की बजाय आप सरोगेसी की तरफ देखिए, जहाँ पर आपका खुद का बच्चा हो सकता है। इतना खूबसूरत जब उपाय आपके पास है, और शायद हमारे शास्त्रों में भी देखा है, यशोदा मैया थी जिन्होंने बच्चा पालकर दूसरे को दिया, अपना बच्चा था, उन्हीं का बच्चा उन्होंने खुद पाला। दूसरा, आप हमारे आज स्टार्स हैं, आप शाहरुख खान हैं, आमिर खान हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितने तरह के आज अडॉप्शन के अल्टरनेटिव आ गए हैं। तो अडॉप्शन का बहुत खूबसूरत अल्टरनेटिव है सरोगेसी, आपका खुद का बच्चा, आपके खुद के जीन्स उस बच्चे में पल रहे हैं, 100% आपका खुद का बच्चा है। आप इस तरफ सोचिए और इस खूबसूरत उपाय का इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर रीटा, मुझे तो लगता है कि जितने भी केयर वर्ल्ड के दर्शक हैं वो तो अब कम से कम परेशान नहीं होंगे, अब वो ज़रूर इस टेक्निक के बारे में सोचेंगे और इसे अडॉप्ट भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। थैंक यू, सच अ प्लेजर। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने सरोगेसी के बारे में बहुत कुछ जाना है। अगर आप भी इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं या आप इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं सरोगेसी को, तो इसकी जानकारी के लिए आप नोट कर लीजिए हमारा पता। International Fertility Center, G36, Green Park, Main, New Delhi, 110016. हमारे फोन नंबर्स हैं 09555544421, 09555544422 और 09555544423. हमारी वेबसाइट है www.internationalfertilitycenter.com। हमारा ईमेल एड्रेस है rita@internationalfertilitycenter.com। फ्रेंड्स, आज हमने सरोगेसी की बात की है, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपने घर आंगन में किलकारियों को गुंजवाने का, यानी अपनी फैमिली को कंप्लीट करने का। इस ऑप्शन को आप अपना सकते हैं।
बहरहाल आज आप मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी अपने इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है अंकुर, अ रे ऑफ होप। टिल देन कीप स्माइलिंग, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।